कहीं जाना था, वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे जाएंगे उसके बाद, मतलब क्या सीन और क्या काम करता हूँ, मेरी माउंटेन लाइफ क्या है। मैं इन पहाड़ों में एक साल से हूँ यहाँ पे, तो एक साल से मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो सब चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ, इससे पहले ही ब्लॉग बनाता था लेकिन यार फिर वही होता ना, मन नहीं करता है। लेकिन अब जो एक्चुअली में हो रहा है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज तो आपने दिखाया कि हमने सुबह से पानी जोड़ा है, अभी पानी को जोड़ा है, मतलब मैंने फिटिंग पहले बहुत पहले कर ली थी सब। देख रहे हैं ये जा रहा है मेरा पाइपलाइन, ये पूरी की पूरी पाइप गई है। हे गाइस वेलकम, दिस इज़ अनमोल, ये सॉरी ये गलत हो गया। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो फाइनली गाइस हमारे पॉली हाउस हो चुके हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी मेकिंग की, किस टाइप से पॉली हाउस कंस्ट्रक्शन होता है और भाई आप कैसे पॉली हाउस बना सकते हो अपने। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, स्टार्ट कैसे करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम ऑनगोइंग बहुत सारे प्रोजेक्ट पर लगे हुए थे, तो जिसकी वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, हम वीडियो शूट करते या फिर वो काम करते, तो दोनों चीज़ साथ होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था हमारे लिए। शायद और लोगों के लिए पॉसिबल हो बट अपने लिए नहीं हो पा रहा था, तो हमने नहीं किया। लेकिन अब हमारे जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं उनको हम आपको साथ दिखाएंगे कि हमारे क्या काम चल रहे हैं और तब से क्या क्या काम हो रहे हैं। तो अभी का सीन्स तो ऐसे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पॉली हाउस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो होता है, तो हमने स्टार्ट कर चुके हैं करीबन एक साल से मैंने कर रहा था ये वाला पॉली हाउस, आपने मेरा देखा है तो हमने खुद से बनाया था। लेकिन अभी के जो हैं ये एक यहाँ पे और एक है नीचे की तरफ, ये तीन पॉली हाउस जो हमारे अभी मतलब अभी 3 दिन हुए, 3 दिन पहले कम्प्लीट हो गए हैं, तो इनकी मेकिंग में कैसे कैसे बने तो वो सब देखते हैं पहले, सबसे पहले तो है ना। तो आई होप सो आपने मेकिंग देख ली, एंड मेकिंग देखने के बाद आपको लगा हो गया है यार कितना टाइम लगता है, क्योंकि एक पॉली हाउस को बनने में करीबन 3 दिन लगे, और जो हमने अप्लाई किया था यार ये गवर्नमेंट अप्लाई किया था हमने मार्च। तो रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं में। हाँ मार्च में अप्लाई किए थे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ हो चुके हैं, अब ये जाके आए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार मुझे। समझ रहे हो ना काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि यार हमने कितने टाइम से वेट कर रहे थे और अब जाके चीज़ें पूरा होना शुरू हुई है, मतलब वो जाके कंप्लीट हुआ है, वो टास्क कब से था और जाके कंप्लीट हुआ। तो आपको अभी कहता हूँ यहाँ का सीन दिखाता हूँ कि जब पूरे पॉली हाउस बन चुके हैं तो आप आज, अब मेरा सबसे पहला काम ये है कि अब मेरे सारी की सारी जितने इसमें पहले पत्थर हैं, इस खेत को हम डांग वाला खेत बोलते हैं, और डांग का मतलब हाँ पहाड़ों में शायद बोलते हैं पत्थर को डांग, बड़ा सा पत्थर तो वो डांग होता है, तो यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, कभी कुछ पत्थर ऐसे हैं, देखो अभी दिखाता हूँ आपको एक जगह। तो ये सीन हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ तो मेरे को अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए बताने के लिए, तो शायद इसलिए मेरा मुंह भी बंद नहीं हो रहा है। तो ये देखो ये पत्थर है यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा, ठीक है, तो इस टाइप से इसके नीचे भी हम कुछ पत्थर निकालेंगे, मतलब ये सब साफ करूँगा, जमा किया मैंने छोटे छोटे ये सब। तो लड़का भी आ चुका है ऊपर, शिवा वो पहुँचने वाला है, और ये सब मटेरियल भी हम ऐसे साफ करेंगे अभी, ये सब सीन है। ये मैंने कोई फ्रेंडली बायो इंसेक्टिसाइड है ये हमने यूज़ किया है, ताकि मतलब नेचुरल भी है, बायो फंगिसाइड नेचुरल भी है, समझ रहे हो आप, मतलब कि प्राकृतिक नो केमिकल फ्री। तो ये पहुंच चुके हैं हमारे शिवा कन्नारी जी, तो भाई जी आज आई गया बहुत दिन बाद, उसने कहा आ जाता हूँ।
अब हम सिवान हम थोड़ी देर आप काम करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे हम क्या काम कर रहे हैं, और मिलते हैं फिर आगे, देखते रहिए व्लॉग और फिर जो होगा सीन आपको दिखाऊंगा मैं। गाइस वेलकम। तो आपने कल देखा भी कि हमने क्या काम किया, जो काम किया था वो कल हमने कल किया था। तो कल आपने देखा कि हम लोगों ने ये बेड बनाई कुछ, और यहाँ पे एक बेड और बनी बाकी है। और इस खेत में आपने ना बताया ना बहुत सारे यार पत्थर है, इन सबको साफ़ करना है। तो अभी तो आज हम क्या करेंगे कि एक ओकरा की वैरायटी है मेरे पास, और आज है 12 दिसंबर। तो ये ओकरा की वैरायटी KOKH1107, तो ये हाइब्रिड सीड है, ठीक है। तो इसको मैंने मंगवाया था, ये कावेरी कंपनी का है, कावेरी सीड्स का। तो इसको मैंने मंगाया था काफ़ी टाइम पहले, मतलब लास्ट ईयर पहले मंगाया था। और अभी तक लोग बोलते हैं कि सीड ख़राब हुआ, तो नहीं होता है। इसमें हम डालने वाले हैं, और ख़राब भी होगा तो हम नया सीड मंगा लेंगे फिर इसमें ट्रायल्स। तो यहाँ पे पड़ेगा ये सीड। तो अभी तो मैं कर रहा हूँ इन सब की पत्थर की सफाई, और फिर दिखाएंगे आगे सीड का काम, और सीड शो करेंगे कितनी कितनी दूरी पर करूँगा एंड कितना कितना पास रहेगा, क्या क्या इनके बीच में डिस्टेंस है, तो वो सब बताऊँगा ना। देखते रहिए और देखते हैं क्या सीन्स होते हैं फिर आगे। चला 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 इधर पहले इधर आ चलो कुकु 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 चलो 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 मुर्गू मुर्गू चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू क्यों भाग रही है? कह रहे थे क्या भाई क्या भाई तू बजा चुप बजा तो पागल है क्या? है बच्ची भी तो वेल। तो आज दिखाते हैं आपको कि हम लोग पहाड़ों में क्या करते हैं। और अभी के सीन्स तो हो रहे हैं कि मैं यार खेतों में पानी डाल रहा हूँ पॉली हाउस में, तो आज लगा रहे पहले पानी। तो पानी के लिए पहले तो मेरा नाम है अनमोल, और मैं रहता हूँ इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो आज का मेरा काम है अभी कि मेरे को लगाना है अपने खेतों के लिए पानी। तो पानी लेंगे हम नीचे से, और ये पाइपलाइन बिछाई है मैंने। तो पहले मैं लेके जाऊंगा तार, काफ़ी टाइम से बंद किया हुआ था, तो अभी तो पहले मैं तार निकालूंगा। तो भाई ये रहा अपना तार का गुच्छा, हम इसको लेके चलते हैं अब यहाँ से ऊपर लेके चलना मुझे।
हमारे गांव में जैसे जो पुरानी नहर थी ना, जो हमारे गांव में पहले की नहर थी, तो उसका पानी हो गया है बंद। तो यहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे खेती करना छोड़ दिया और ऐसी क्रॉप लगाने लगे कि जिसमें पानी की ज़रूरत कम होती है। लेकिन यार मेरे को तो करने हैं काम, तो मैं भी लगा रहा हूँ तार यहाँ पे। सही है, इतना ऊपर चल जाएगा। तार चिपकी तो नहीं है, मैंने कहा तार चिपकी तो नहीं है पे। पानी में तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम जोड़ रहे हैं पानी खेतों में। तो यार तो हमने 1.5 हॉर्स पावर का प्लान किया है। आधे हॉर्स पावर की मोटर ही है और 1 हॉर्स पावर की मोटर ऊपर है, पहले छोटी और फिर बड़ी मोटर। तो कुछ ये अरेंजमेंट किया है। ये क्लिप लगाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये क्लिप लगाएंगे हम तो पानी जो है प्रेशर के कारण लीक हो सकता है। बंद हो गया क्या? नहीं चल रहा था, बटन दबा लाला लाला। हाँ पानी आएगा ऊपर से और छन के जाएगा और इसके नीचे पत्ते पत्ते नहीं जाएंगे, ताकि ये तो सीन। और पानी फिर मोटर खींच लेगी, आधा हॉर्स पावर पानी फेंकेगी 1 हॉर्स पावर के पास, 1 हॉर्स पावर और फुल ताकत से इसको खींचेगी ताकि इस पाइप पे लोड ना पड़े और फिर पानी जाएगा ऊपर। तो ये कुछ सीन्स हो रहे हैं भाई। तो चलते हैं अभी, और फिर आज बाकी दिन भर में जो भी सीन होगा वो आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अभी हम घर की तरफ। आज नाश्ता भी नहीं किया अभी मैंने। तो ये मेरा है भतीजा यूनिक, तो हम चल रहे हैं ऊपर अब। तो फाइनली हमने पानी जोड़ लिया अपना, और ये सीन क्या है कुछ, क्योंकि थोड़ा बैक फ्लो मार रहा था, तो बैक फ्लो जाएगा यहाँ पे अटकेगा और यहाँ से खुलेगा, तो फिर ये इधर को बैक फ्लो मारेगा और यहाँ पे मारेगा। तो ये बनाया एस कर्व और ये बैक फ्लो की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। तो ये कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं दोस्तों पहाड़ों में। देखा आपने सीन, ये हमारा पाइप लाइन जा रहा है। यहाँ पर डाला है 2 इंच का पानी, ताकि पानी मोटर को लगातार मिलता रहे। इधर से डाली अपनी मोटर यहाँ पे 1 हॉर्स पावर की, ऐसा रख देंगे ढक के होगा ऐसी। पानी तो लीक नहीं हो रहा ना कहीं से, चलो पानी लीक नहीं हो रहा है, बस इसका ऐसा रख देंगे और चलते हैं इधर से अब घर की तरफ। तो देखते हैं वहाँ पे कितना इंच पानी आ रहा है। भाई यार जब स्टार्टिंग में ये पाइपलाइन मैंने बिछाई थी ना, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी यार। मतलब मेरे बहुत सारे पाइप तो मेरे ऐसे फट गए। प्लास्टिक का पाइप यूज़ किया था सारा, लेकिन वो भी अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन अब जो डाला है, अब ओरिजिनल GI पाइप, पूरा GI पाइप ऑल ओवर, ऊपर तक GI पाइप पड़ा है। तो ये सीन था भाई, आज का दिन ये था हमारा कि मॉर्निंग में आज मेरे को कहीं जाना था। वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे जाएंगे उसके बाद, मतलब क्या सीन और क्या काम करता हूँ, मेरी माउंटेन लाइफ क्या है। मैं इन पहाड़ों में 1 साल से हूँ यहाँ पे, तो 1 साल से मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो सब चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ, इससे पहले ही ब्लॉग बनाता था, लेकिन यार फिर वही होता ना, मन नहीं करता है। लेकिन अब जो एक्चुअली में हो रहा है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज तो आपने दिखा कि हमने सुबह से पानी जोड़ा है, अभी पानी को जोड़ा है, मतलब मैंने फिटिंग पहले कर ली थी सब। देख रहे हैं ये जा रहा है मेरा पाइपलाइन, ये पूरी की पूरी पाइप गई है यहाँ से, इसने कर्व लिया है फिर ये अंदर यहाँ दबा दी गई। तो इस टाइप से कुछ काम हो रहा है ना, तो अभी दिखाता हूँ। वो नीचे देखो एक पॉली हाउस अपना ही है, तो मैं इसके लिए पानी लेके आ रहे थे हम लोग। तो ये हमने पाइपलाइन बिछाया इधर से,
इधर से ये पीवीसी पाइप है, यहाँ पे तो वेल आज मॉर्निंग का हमें जो भी काम करना था वो सारा कर लिया है, पाइप वाइप जोड़ के। और मैंने कहा था अब चलेंगे हम दिखाएंगे हम लोग दिन में क्या करते हैं। तो अभी से चल रहा हूँ मैं अपने गांव से ऊपर की तरफ सीढ़ियों से। और अपनी मैक्स खड़ी है ऊपर रोड पे,